सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरुण गुप्ता फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज हाउ टू स्टडी टू गेट सक्सेस। इसके साथ ही हम एक चीज और डिस्कस करेंगे जो कि इस चीज से भी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज हाउ टू स्टडी टू गेट सक्सेस विथ हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप हैप्पी हो, अगर आप खुश हो, तो आप ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, और अगर आप ज्यादा एनर्जेटिक हो तो आपके सक्सेस के चांसेस और ज्यादा होंगे। सिंपल लॉजिक। और दूसरी बात, यार खुश तो होना ही चाहिए ना। होता यह है स्टूडेंट लाइफ में कि हम ये सोचते हैं कि एग्जाम ओवर हो जाए, ये स्टेज पार हो जाए, उसके बाद हम लोग खुश होंगे, ठीक है। फिर होगा क्या कि फिर से वो एग्जाम आ जाएगा, फिर कोई और एग्जाम आ जाएगा, फिर कोई और एग्जाम आ जाएगा, और हम अपनी खुशी को ऐसे ही पोस्टपोन करते रहेंगे। तो भगवान ने जो हमको जो लाइफ दी है, तो हम अराउंड 30-40% ऑफ लाइफ इसी परेशानी में निकाल देंगे। ये हमको हैप्पी भी होना है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा करें कि ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं हम हैप्पीनेस के साथ करें। क्योंकि सिंपल रूल ये है लाइफ में कि अगर आज आप खुश हो सकते हो तो आप लाइफ में खुश हो सकते हो, अगर आप आज लाइफ में खुश नहीं हो सकते तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं हो सकते। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि इस एजुकेशन को और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाते हैं, कि हम पढ़ते हुए ये हमारी जर्नी है, इसी को हम हैप्पीनेस के साथ करें। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये डस्टर है और हमको ये वर्क दिया है कि इस डस्टर को हमको इस हैंड में रखना है, फिर इस हैंड में रखना है, और इस ऐसा हमको 100 बार करना है। हमने 5 बार किया, 7 बार किया, 10 बार किया, उसके बाद हम बोर होते गए, हम कर रहे हैं। और क्यों ना हम उसको एक प्ले में बदले, एक गेम में बदले, जैसे हमको ऐसे 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 ऐसे, तो इससे क्या होगा, इससे हम 1000 बार भी कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट 100 टाइम, यू कैन डू इट फॉर 1000 टाइम। तो आप लोग एक सिंपल काम कीजिए कि एक आप कॉन्सेप्ट डायरी बनाइए और उस डायरी में आप लिखिए कि आज मैंने ये पढ़ा, ये मैंने टॉपिक कवर करे, और इस टॉपिक में मैंने ये नया कॉन्सेप्ट सीखा, या फिर इस टाइप से अप्रोच करते हैं, ये मैंने सीखा। और अगर आपका रेगुलर एग्जाम है जिसमें जो आप पढ़ते हैं वही क्वेश्चन आते हैं, तब आपको इस प्रकार से कम एनर्जी लगाते हुए मोर इंटरेस्टिंग वे से सिर्फ एक बार पढ़ के ही आप कर सकते हैं। तो इसमें तो ये फायदा हुआ आपका रेगुलर एग्जाम में। और रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप जानते ही हैं कि कोई भी जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, वो 100% श्योर है, तब इसके चांसेस बहुत कम है, लाइक 0.001% की वो क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो उससे रिलेटेड आप एक या दो के आप 100 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। सो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन आंसर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कशन का है वो है लर्न टू डू डेरिवेशन। जनरली स्टूडेंट लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो फॉर्मूला पे फोकस करते हैं और सोचते हैं डेरिवेशन क्यों करें, एग्जाम में तो आने का है डेरिवेशन। बट जहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं
और आपको याद करना है, तो मे बी अगर आप सिर्फ फॉर्मूले को रटोगे तो आप फॉर्मूले को भूल सकते हो, या फिर एक बुरे एक्सप्रेशन में एक कोई टर्म आप मिस कर सकते हो। जैसे कि कोई फॉर्मूला है s is equal to ut plus half et square, अब बाद में आपको सुन में आया कि हाफ है या नहीं है, आपने लिख दिया s is equal to ut et square। तो अगर आपने डेरिवेशन क्या हुआ है तो आपको पता है कि हर एक टर्म वहां पे क्यों आई है, तो आप उसको भूल नहीं सकते। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन जस्ट फॉर्मूला वैल्यूज पुटिंग का है कि आपको फॉर्मूला याद है और वैल्यूज दे रखी है, आपने पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया वेल एंड गुड। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी। अब जिसने फॉर्मूला रटा है उसने वही फॉर्मूला लगा दिया, उस कंडीशन को वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा। पर जिस बंदे ने डेरिवेशन किया है उसका, उसको उसके बेसिक्स पता है, तो उस जो चेंज वाली सिचुएशन है उसको वो इनकॉर्पोरेट करके उस क्वेश्चन को सही बना सकता है। तो आप कोई भी फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन सीखिए, इससे आपको फॉर्मूला भी याद होगा, किसी चेंज कंडीशन में कैसे उसको अप्लाई करना है ये भी मालूम पड़ेगा, और आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कैसे अप्रोच लगानी है, क्योंकि डेरिवेशन में यही बताया जाता है कि कैसे उसको ड्राइव कर रहे हैं, कैसे उस पर पहुंच रहे हैं, क्या अप्रोच रख रहे हैं। तो आपकी जो किसी प्रॉब्लम के लिए कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसमें पेनिट्रेट करना है, कैसे उसको हिट करना है, वो आपको आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टू सॉल्व क्वेश्चंस कंप्लीटली। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन है और उनको आंसर समझ में आ रहा है, आधे में आधा उन्होंने कर लिया है, उनको मालूम है हाँ कि अब ये वैल्यू पुट करनी है, ऐसे करना है, हो जाएगा, तो वो पूरा आंसर नहीं निकालते। और इस जो इतना लेजीनेस और आलस की वजह से क्या होता है, जब आप एग्जाम एक्चुअल में दोगे तो वहां पे अगर फिर से ऐसे ही होता है सिचुएशन, तो भी क्या होगा कि आप आधा करोगे क्योंकि आप फ्लो में थे, बाकी आप आधा फिर छोड़ दोगे, या फिर बोलोगे इसको मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं दूसरे क्वेश्चन करता हूँ, और बहुत चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, और मे बी वो क्वेश्चन बहुत ईजी था, थोड़ा सा आपको सॉल्व करके हो जाता, बट जस्ट बिकॉज कि आपने स्टार्टिंग में बिफोर एग्जाम आपने उसको पूरा सॉल्व नहीं किया तो वो नहीं हो पाएगा आपसे। सो इट्स लाइक अगर आप रिहर्सल कर रहे हो किसी शो की, अगर आप उसमें अपना 50% परफॉर्मेंस दोगे तो आप जो मेन जो आपका शो होगा उसमें भी 50 या उससे लोअर ही होगा, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसमें भी आपको 100% आप परफॉर्म कर पाओगे, तो आपको रिहर्सल में भी देना है 100% और आपके फाइनल शो में भी। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन है आप उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करके जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंप्रूव योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड स्पीड। अगर आपको एक जो आपका एग्जाम है वो 3 घंटे का है और उसमें आपको उसमें सारे सवाल आते हैं, सारे आपको 10-50 सवाल आते हैं, और अगर आप पहले सवाल में करने में आप आधे घंटा लगा दें जबकि आपको पूरा आता है, सभी सब क्वेश्चन आते हैं, और आप एक क्वेश्चन को आप सिर्फ आधे घंटे करोगे तो क्या मतलब है। तो जो स्पीड है वो आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो स्पीड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया जाए कि आपकी स्पीड मैथ्स की आपको जो कैलकुलेशन पार्ट है जो सवाल को करने की स्पीड बढ़े, उसके लिए आप प्रैक्टिस करें, आप सवाल खूब सारे सवाल करें, उससे आपको प्रैक्टिस होगी, उससे क्या होगा कि आप अपने आप ही फटाफट फटाफट सारे सवालों को करोगे। और इसके साथ आप एक और काम कर सकते हो कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपके ब्रेन को शार्प करें, जो आपकी स्पीड को बढ़ाए, वो आप कर सकते हो। जैसे कि सिंपल गेम जैसे कि सुडोको होता है उसको आप खेलिए,
तो आप देखना आपका जो सोचने की जो शक्ति है, आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। नेक्स्ट हम एक और इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, दैट इज और सॉल्ड एग्जांपल्स। सी दीज सॉल्ड एग्जांपल्स आर वेरी डेंजरस। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जस्ट सॉल्ड एग्जांपल को रीड आउट करते हैं, उससे क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ मैंने कर लिया, हो गया उनका काम। बट एग्जाम में एक्चुअल कंडीशन में सॉल्ड एग्जांपल नहीं आता है, अनसॉल्व आते हैं, आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो होता यह है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप उसको पहले खुद से ट्राई करते हो तो आप लॉजिक सोचते हो, आप सोचते हो मैं कैसे फॉर्मूला अप्लाई करूं, क्या मेरी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपका आंसर आ जाता है तो वेरी गुड, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आपको मालूम पड़ता है सॉल्व एग्जांपल देखने के बाद कि अप्रोच आपकी कैसे होनी चाहिए। और अगर आप सीधे ही अनसॉल्व एग्जांपल सॉल्व देखेंगे, उसको आंसर को देख लेंगे, तो आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी जो अप्रोच है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स है, वो नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर वो सॉल्व भी दिया हुआ है तो पहले उसको ढक के, उसको अनसॉल्व नहीं है, पहले उसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए और उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए, और फिर उसके बाद जो सॉल्व दिया गया है, सॉल्यूशन जो दिया गया है, उसको आप एनालिसिस करो कि हाँ मैंने ये गलती करी थी, इसने ये अप्रोच ली थी। ओके, हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, वी डोंट बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे जो एग्जाम में इजी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर इस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, और चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, मैं कम से कम इतने इजी क्वेश्चन तो कर लूं, ये हमारी थिंकिंग हो जाती है। बट बात यह है कि कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन हम करते हैं, चाहे भले ही वो पूरा समझ में आए या नहीं आए, पूरा आंसर आए या नहीं आए, पर इसकी जो प्रोसेस है, इसको करने में हम काफी फाइट करते हैं, काफी सोचते हैं, तो इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो हमारी अप्रोच है, वो और बेटर हो जाती है। और फिर जैसे एग्जाम में कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन आया, वो तो आपको बनेगा ही बनेगा, साथ में अगर जो इजी क्वेश्चन आएंगे वो आपको ऐसे ही बन जाएंगे। So that means one challenging, doing one challenging question is equal to doing 100 easy questions. So आप अपने जो बार है उसको थोड़ा सा हाइट दो उसको, जिससे कि आपका जो लेवल है, आपका जो ब्रेन है, वो और बेटर परफॉर्म कर सक पाए आपके एग्जाम में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव एटीट्यूड। कई बार ऐसा होता है कि हम होप छोड़ देते हैं, सोचते हैं हमसे नहीं होगा, नहीं यार ये नहीं होगा, और हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है, हमको फाइट करना है, और हमको एक बात दिमाग में रखना है कि रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, मेरा फोकस रिजल्ट पे नहीं है, मेरा फोकस है मेरी परफॉर्मेंस में। तो अगर आप अपनी काबिलियत के पीछे जाएंगे, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे, तो जो कामयाबी है, जो रिजल्ट्स है, वो तो झगमा के आपके पास में आएंगे, आप नहीं चाहेंगे तो भी आएंगे आपके पास में। और जो जैसे गीता में भी लिखा है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, क्योंकि अगर आपने फोकस किया फल पे तो आपको टेंशन होगी, आपको बेचैनी होगी, क्या हुआ क्या नहीं होगा। उसके बजाय अगर आप फोकस करेंगे अपने कर्म पे, अपने परफॉर्मेंस पे कि मैं कैसे कर पा रहा हूं, कैसे मैं और अच्छा करूं, तब आप देखेंगे कि जो सक्सेस है वो अपने आप आपके पास में आएगी। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, और किसी और फ्रेंड से या फिर कोई आपको डिमोटाइज करे जाने जाने में, तो प्लीज उसको
उससे डीमोरलाइज आप नहीं हुए और आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में लगे रहिए, क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये जर्नी, इंपॉर्टेंट है आपका परफॉर्म करना। Give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain. Always refer good books and teachers. See, आप वो books और वो teacher से आप पढ़े जो आपको basic concepts दे, जो आपको images बनाए कि ये चीज है, इसकी ये image है, ये ऐसा है, concept से समझाए, basic से समझाए। क्योंकि ऐसे भी कोर्स होते हैं, ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो आपको क्रैश कोर्स करवाएंगे, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं करवाते और आपको आपको ऐसा फील करा देंगे कि हाँ आप अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत सारा पढ़ लिया, आप इंटेलिजेंट है, आप ये है, आप वो है, बस हो गया। पर अगर आपकी जो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो अगर वीक है और हवाई के लिए हमने बना लिया कि हमने ये कोर्स कर लिया, ये कर लिया, इतना कर लिया, पर जब एक्चुअल में जब एग्जाम आए तो ये पूरा का हवाई किला है, पूरी जो बिल्डिंग है ऐसे तहस नहस हो जाएगी। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट, अगर आपके जो जो टीचर्स, जो बुक्स जो अच्छे रेफर कर रहे हैं, एक स्टोरी लाइन से एक प्रॉपर इमेजिनेशन करा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपको उनको आप रेफर करें, क्योंकि आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है और उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बल पे जब आप परफॉर्म करेंगे, जब आप खुद सेल्फ स्टडी भी करेंगे, खुद आप उसके बारे में थिंकिंग करेंगे, तब देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस और आपका सेटिस्फेक्शन है वो जो क्रैश कोर्स है, जो लगता है कि हाँ अच्छे होंगे, उससे कहीं ज्यादा, कहीं गुना बेटर होंगे। सो मे बी इट्स लाइक अ एनसीईआरटी बुक और अ फॉरेन राइटर बुक और किसी अच्छे इंडियन राइटर की बुक हो, बट ऑलवेज रेफर टू गुड टीचर एंड गुड बुक। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू सेल्फ एनालिसिस एंड मेक स्ट्रेटजी। सी, ये जो एग्जाम है ये एक वॉर टाइप की सिचुएशन है और आप जानते हैं कि किसी भी वॉर में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है उस वॉर में सक्सेस पाने के लिए। तो सिमिलरली हेयर हमको जो एजुकेशन है, जो एग्जाम्स हैं, इसमें बहुत सारी बातों का बैलेंस है। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा जानते हैं या फिर 10 टॉपिक अच्छा जानते हैं और आप 5 टॉपिक अच्छा नहीं जानते और आप 10 टॉपिक में ही फोकस कर रहे हैं और बाकी में आप फोकस नहीं कर रहे, या फिर आपकी कॉन्सेप्ट सही है पर आपकी स्पीड सही नहीं है, तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। आपको सबसे पहले तो राइट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कि व्हाट आर योर एरियाज जिसमें आप स्ट्रांग है, उसको मैं कैसे और स्ट्रांग बनाऊं, कैसे स्ट्रांग और कर सकता हूं, और जो मेरे एरियाज जो वीक हैं वो कौन से एरियाज वीक हो रहे हैं, उसको मैं कैसे, उनमें जो मेरे कॉन्सेप्ट खराब है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कैसे दूर करूं, मैं कौन सी बुक रेफर करूं, मैं किससे पूछूं, मैं सर से पूछूं, मैं किसी फ्रेंड से पूछूं, किसी से डिस्कस करूं, बट डू दैट। बट अगर आप अपनी वीकनेस को लिखेंगे ही नहीं, अपनी स्ट्रेंथ को लिखेंगे ही नहीं, देन आप कैसे जानेंगे। पर अगर आपके सामने होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे करना है, ये करना है, तब आप एक्शन लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। द सेकंड इज टेक सेल्फ टेस्ट। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो टेस्ट ही नहीं लेते, दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट पर तो भी वो टेस्ट नहीं लेते। उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर मैंने टेस्ट दिया और मेरे नंबर कम आए, इंटरनली खुद ही सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको लगता है कि अगर मैंने टेस्ट दिया और मेरे नंबर कम आए, परफॉर्मेंस कम हुआ, तो मुझको बैड फील होगा। और उस चीज से बचने के लिए वो सो एक्सक्यूज देते हैं कि यार टेस्ट देने की बजाय मैं पढ़ ही लेता हूँ, फायदा तो होने वाला नहीं वैसे भी टेस्ट का। तो उनके इन एक्सक्यूज की वजह से
वो जो टेस्ट देने से जो उनकी जो स्पीड बढ़ती वो नहीं बढ़ पाती, वो उनको जो फीडबैक मिलता है कि उनकी हाँ ये एरिया वीक है, ये स्ट्रांग है, उनकी स्पीड कम है, वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए आप टेस्ट दीजिए, आप खुद आपको जो एनालिसिस करनी है तो आपकी जो टेस्ट है आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आप इनसे डरिए मत, इनको करिए। टाइम टेबल, हमको अपनी स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत बहुत जरूरी है, एंड दैट टाइम टेबल शुड बी रियलिस्टिक एंड शुड बी चैलेंजिंग। ऐसा नहीं हो कि रियलिस्टिक नहीं हो, आप एक घंटे जो काम के लिए है वो आप 5 मिनट में करना चाहोगे, ऐसा नहीं होगा। तो बी रियलिस्टिक। एंड सेकेंड बात चैलेंजिंग, ऐसा भी नहीं हो कि आपको 5 मिनट का काम आप 1 घंटे करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे और अपने उसको अंडर एस्टिमेट करोगे अपनी पावर को। तो आप एक चैलेंजिंग और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल से क्या होगा, टाइम टेबल से यह होगा कि आप ज्यादा ऑर्गेनाइज होंगे, आप अपने आप को डिसिप्लिन में रख पाओगे, आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि एक डिस्ट्रेक्शन हुआ आप उधर चले गए, आपको टीवी की आवाज आई आप टीवी देखने चले गए। अगर आपने टाइम टेबल बनाया है, आपको पता है कि 9 to 12 उसको ये पढ़ना है, चाहे ये कोर्स है या फिर ये हो या फिर वो हो या फिर वो टीवी चले या फिर वो कोई खेलने के लिए बुला रहा है, मुझको अभी 9 से 12 पढ़ना है, उसके बाद मुझे बाकी एक्टिविटीज करनी है। तो अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो यू विल बी मोर फोकस्ड, मोर कॉन्सेंट्रेट एंड मोर डिसिप्लिन। और एक और बात, ये जो टाइम टेबल है और सेल्फ एनालिसिस और स्ट्रेटजी की बात है, अगर आप टेस्ट से आपके एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले बनाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको day 1 से बनाना है। ऐसा नहीं कि आप रोज बहुत ज्यादा पढ़ो, आप कम पढ़ो, पर आप day 1 से बनाओ। और अगर आप 1 या 2 दिन पहले बनाएंगे ये सारी बातें, एग्जाम से 2 दिन पहले सोचेंगे, तो जो एग्जाम में होने वाला जो डिजास्टर है उस डिजास्टर से आपको ओनली नेचुरल डिजास्टर ही बचा सकता है। जैसे कोई उस समय अर्थक्वेक हो जाए और कुछ ऐसी घटना हो जाए कि वो एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। एल्स अगर आपको परफॉर्म अच्छा करना है तो यू हैव टू डू सेल्फ एनालिसिस एंड मेक स्ट्रेट। सिखाए 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मेक इट इंटरेस्टिंग। अगर आपने अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना लिया तो आपकी जो पढ़ाई है वो ऑटोमेटिकली होगी, आपको बर्डन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कोई टास्क मिला हो कि आपको ये चीज करना है और आपको वो बोरिंग लग रहा है, तो 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा आप टायर्ड महसूस करोगे, आप परेशान हो जाओगे और पिटते पिटते आप कैसे न कैसे उसको कंटिन्यू करोगे। और वही चीज अगर मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आपको डांस करना है और आप 2 घंटे 3 घंटे आप लगातार डांस किए जा रहे, तो उसके बाद भी अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई आ जाओ बहुत हो गया, तो भी आप किए जा रहे, क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो पॉइंट इज, अगर हमको पढ़ते हुए अगर हमको हैप्पीनेस चाहिए, अगर हमको एंजॉय करना है इस पढ़ाई को, तो हमको इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, सो उसके बहुत से टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, और कुछ मैं आपको बताऊंगा और कुछ आप खुद सोच सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज शॉर्ट फॉर्म्स। आपको कोई चीज मेमोराइज करना है और आपको लग रहा है कि आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो और उसमें कोई लॉजिक भी नहीं बैठ रहा है, जैसे कि आपको 7 प्लस सिंपली लर्न करने, मेमोराइज करने, तो उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, कलर्स के नियम है वॉयलेट इंडिगो ब्लू, तो सिंपल आप एक टर्म याद कर लीजिए विट्योर, दैट्स ऑल। Now you can easily make out, you have to learn, you have to memorize this thing, not all the colors. अगर आपको पूछा जाता है कि what are the 7 colors,
then you can easily say violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So it's too simple. और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि ब्रास है, ब्रास एक अलॉय है और उसके जो एलिमेंट्स है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, वो है कॉपर और जिंक। अब एक्चुअली इतने सारे अलॉयज होते हैं, उनके इतने सारे पार्ट्स होते हैं, तो कभी ऐसा हो जाता है कि हम जिंक की जगह पर टिन बोल देते हैं या फिर कुछ और बोल देते हैं, तो उसको अपन कैसे याद करें। तो सिंपली ये एक शॉर्ट फॉर्म याद करने वाला मैंने बनाया था अपने खुद के लिए, वो बनाया था बरसे कुत्ते जमीन पे। सो बरसे, बरसे ब्रास, कुत्ते कॉपर, जमीन पे जेड। तो इट्स अ सिंपल ट्रिक, बट आपको इस छोटी सी ट्रिक से आपको जो चीज मेमोराइज होने में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमेजेस एंड एनालॉजीज। आप जानते हैं कि एजुकेशन एक माइंड का गेम है, माइंड से होता है पूरा, और उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। हमारा माइंड वर्क करता है इमेजेस पे, उसको लैंग्वेज नहीं आती है, हिंदी इंग्लिश नहीं आती, वो इमेजेस की भाषा में सोचता है। जैसे कि आपने बोला एप्पल, तो समझेगा एप्पल की इमेज बनी तो समझ में आया। अब मैं रैंडम वर्ड बोलूं और झुक झुक झुक, तो आपको याद नहीं होगा और आपको उसकी इमेज नहीं बनेगी। तो कोई भी चीज समझने के लिए, जानने के लिए आप उसकी इमेज बनाइए। और आप एनालॉजीज, एनालॉजीज आर बेस्ट हेल्प, बेस्ट योर बेस्ट फ्रेंड। एनालॉजीज आपको एक डोमेन में चीज बताई गई है, आपको समझ में नहीं आ रही है वो चीज, उसकी तरह एक और चीज होती है वो आपको समझ में आती है, आप जस्ट उससे उसको करेक्ट कर दीजिए, आपको वो चीज समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि 9th क्लास में है और आपका सब्जेक्ट है ऑन इलेक्ट्रिसिटी और उसमें है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पर स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या भाई वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो आप सिंपल एनालॉजी समझ सकते हैं कि वोल्टेज एनालॉजी एक डैम से समझ सकते हैं कि इट्स क्लिफ है और इस हाइट से वाटर फॉल हो रहा है। सो जो इस वाटर, इस हिल की जो हाइट है, जो एच हाइट है, वो कोरिस्पोंड टू द वोल्टेज पोटेंशियल, और जो ये वाटर फॉल हो रहा है ये है चार्ज क्यू। और जिस रेट से वाटर फॉल हो रहा है, उसकी जो वाटर की करंट है वो है अपना करंट आई। अब हमारा ये सर्किट है और हम चाहते हैं कि इसमें जो वाटर फॉल हो रहा है एक डिजायर्ड रेट से हो, ऐसा नहीं हो कि इतनी तेजी से हो जाए कि हम जो वर्क कराना चाहते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा लोड है, वो ही खराब हो जाए, वो ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो हम चाहते हैं कि इसकी करंट को हमें मैग्नीट्यूड दे, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हमने उसमें कुछ ऑब्स्टेकल लगाया और हम इलेक्ट्रिकल में इसकी एनर्जी क्या लेंगे, एक हमने रेजिस्टेंस लगाया। तो हमें समझना था इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। हमने एनर्जी लगाई वाटर की जो एक हिल से गिर रहा था, और जैसे ये है वैसा वो है, तो हमारे दिमाग में ये इमेज बन गई। सो दिस इज एनालॉजीज फॉर यू। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग लॉजिक, बिकॉज लॉजिक एक होता है और क्वेश्चंस आंसर्स हंड्रेड्स होते हैं। अगर आपने बजाय सौ चीजों को करने के बजाय आप एक चीज शब्द लॉजिक समझ लो, तो आपको सब चीज बहुत इजी भी हो जाएगी, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी कम लगेगी और आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। तो इस बात को हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि कैसे और क्या फायदा है लॉजिक समझने का। तो समझो कि एक हम समझ रहे हैं कि पोलैरिटी टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर। सो एक ट्रांसफॉर्मर है 230 to 9 volt और इसकी एक पॉइंट की पोलैरिटी दे रखी है इधर, और हमको मालूम करना है कि पोलैरिटी इस पॉइंट में मिलेगी या फिर इस पॉइंट में मिलेगी सेम पोलैरिटी का। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मल्टीमीटर लेते हैं
और यहाँ हम इन दो पॉइंट्स में हम 230 वोल्ट अप्लाई करते हैं और हम मल्टीमीटर से दो रीडिंग लेते हैं। एक बार हम मल्टीमीटर इसके अक्रॉस रखते हैं इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं और रीडिंग लिखते हैं R1। फिर हम पोटेंशियोमीटर अपना मल्टीमीटर बिटवीन दिस टू पॉइंट रखते हैं और हम रीडिंग लिखते हैं R2। इफ R1 ग्रेटर देन R2 इसका मतलब अपोजिट पोलैरिटी होगा और इफ R1 इज लेस देन R2 देन सेम पोलैरिटी होगा। अब ये स्टेटमेंट अगर हमने याद किया, मेमोराइज करने की कोशिश करी, तो देर आर चांसेस कि हम एट द टाइम ऑफ एग्जाम इन द एग्जाम हमें फॉरगेट हो जाए कि R1 R2 से अपोजिट पोलैरिटी होता है या फिर सेम पोलैरिटी होता है। और मे बी एग्जाम तक पढ़ने के लिए आपको कई बार इस चीज को आपको पढ़ना पड़े, मेमोराइज करना पड़े और मे बी एग्जाम जस्ट बाद आप उसको भूल जाओ। और एक और बात, अगर आपको कुछ डिजाइन करना है, कुछ आगे उसमें R&D करनी है, तो आप रट के मेमोराइज होके कुछ नहीं कर पाओगे, वही आप लॉजिक समझो। और एक बार आपने अगर लॉजिक समझ लिया तो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एग्जाम का दिन नहीं, लाइफ टाइम तक आपको वो चीज याद रहेगी। इवन अगर आपको रात के 2 बजे अगर आपको जगाया जाए और पूछा जाए कि भाई ये पोलैरिटी टेस्ट बता, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि आप उस चीज को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में लॉजिक है। तो इसका हम लॉजिक समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये चीज बोली गई है कि R1 R2 से अपोजिट है या R1 लेस देन R2 से सेम पोलैरिटी है। चीज बहुत सिंपल है, अगर सेम पोलैरिटी की है, ये हमारी प्राइमरी वोल्टेज है 230 वोल्ट और ये हमारी सेकेंडरी वोल्ट है 9 वोल्ट। अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, दैट इज डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो हम ये वेवफॉर्म माइनस ये वेवफॉर्म कर दें, तो अगर इस पॉइंट में हम इसको इससे माइनस कर दें तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इससे माइनस कर रहे तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट जो है वो लेस देन दिस ओरिजिनल प्राइमरी वेवफॉर्म, करेक्ट। Whereas in this case they are of opposite polarity, when at 90 degree this one is maximum plus side and this one is at minimum at minus. So if you subtract this form to this, so here plus minus minus, it is a plus quantity, so it will be greater than that. So if it is like 300 voltage here and here this value is say 12 volt, then this is 300 minus minus 12, so it will be 312. Whereas if it is here 300, here it is 12 volt, then it is 300 minus 12 volt, that is 288. So that's why we have seen 312 is greater than 288. So if R1 and R2 are opposite polarity, then they are of the, if R1 is greater than R2, then they are of the opposite polarity in this case. Where in this case of same polarity, these two waveform, we are getting R1 is less than R2. This magnitude is less than original waveform. So it is too simple if we understand the logic. So friends, hope you have enjoyed this video and I wish all the best for your bright future. और मैं चाहूँगा कि आप ये सभी बातें अपनाएं और एक ब्राइट अपना एक ब्राइट करियर बनाएं और एक सक्सेसफुल करियर बनाएं एंड विद हैप्पीनेस। आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कॉज के लिए टू मेक एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड इंटरेस्टिंग। आप लोग, आपकी जो एनालॉजीज है, आपके एग्जांपल्स होंगे, आपकी जो इमेजेस होंगी, आपके जो आइडियाज होंगे या फिर आपने कोई चीज प्रैक्टिकल की होगी, वो आपके एक्सपीरियंसेस है, मे बी इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, मे बी इन टर्म्स ऑफ वीडियोज, मे बी इन टर्म्स ऑफ PDF,
आप हमसे शेयर कीजिए, आप हमको बताइए। हम वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, जिससे कि ऑल स्टूडेंट्स आपके आइडियाज से हेल्प ले सके, वो अपनी लाइफ को बेटर बना सके। और इसके अलावा जो औरों के जो आइडियाज हैं, जो औरों की जो थिंकिंग है, जिससे आपकी एजुकेशन और अच्छी बनेगी, वो आप हमारी वेबसाइट पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। इसके अलावा हम लोग एक्ट थ्योरी टू प्रैक्टिकल आर मेकिंग एजुकेशनल वीडियोस ऑन हाउ टू मेक एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। क्या एनालॉजी से हम चीजों को सीखे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, हम कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाए और कैसे हम अच्छे मार्क्स लाए, अच्छा करियर बनाए विद हैप्पीनेस। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। Chance I wanna grow up once again.